हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने ही प्यारे से चैनल में, जिसमें हम आज इंटरफेरेंस पर लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। और टॉपिक का नाम है फैब्री पैरो इंटरफेरोमीटर, यानी कि फैब्री पैरो व्यतिकरण मापी। ये सिंपल से कॉन्सेप्ट पर बेस है, जिसमें दो ग्लास प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रख दी जाती है और उसके बीच में लाइट को बार बार रिफ्लेक्ट कराया जाता है, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन कराया जाता है। उस मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण जो लाइट ट्रांसमिट होती है, वो भी बहुत सारी लाइट रेज ट्रांसमिट होगी, उन लाइट रेज में इंटरफेरेंस होता है और इंटरफेरेंस पैटर्न को एक स्क्रीन पर प्राप्त कर लिया जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये जो यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखाई देता है वो सर्कुलर होता है, और सर्कुलर होने के साथ साथ इसका जो कॉन्ट्रास्ट और इसकी विजिबिलिटी है, यानी कि ये जो है क्लियरिटी जो होती है इसकी इंटरफेरेंस पैटर्न की, वो जितने भी हमारे इंटरफेरोमीटर है उनसे काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जो है वो इंटरफेरेंस हो रहा है, बहुत सारी लाइट मिलकर इंटरफेरेंस शो कर रही है, जिसलिए जो है इसमें पैटर्न काफी क्लियर दिखाई देता है। तो देखो, इसको समझते हैं कि कैसे इसका जो है बनावट कैसे है इसकी, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा है इसका और कैसे ये काम करता है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम एक लाइट सोर्स लेते हैं, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स लेते हैं। एक्सटेंडेड लाइट सोर्स क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसका साइज पॉइंट साइज से बड़ा होता है वो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है। कोई लेंथ ले लिया, ठीक है, अब उससे जो लाइट निकल रही है उसको हम किसी लेंस से पास कराते हैं, तो लेंस से पास होने के बाद वो पैरेलल हो जाती है, फिर वो लाइट को जो है इस सिस्टम पे गिराते हैं। यहां पर ये सिस्टम क्या है, यहां पर जो है दो ग्लास प्लेट है, दो कांच की प्लेट है सिंपल, उनको एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है, और ये प्लेन सरफेस है, इनकी जो ग्लास प्लेट की सरफेस है वो एकदम प्लेन है, और इसका जो इंटरनल पार्ट है यहां पर और यहां पर जो है सिल्वर या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर रखी है, जिससे इस पर लाइट जब गिरती है तो उनमें रिफ्लेक्शन होता है। तो यहां पर लाइट गिरने वाली लाइट में 75% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती, बाकी 25% जो है वो इससे ट्रांसमिट हो जाती है, इससे बाहर निकल जाती है, ठीक है। इधर जो है वो एक और लेंस लगा रखा है जो कि यहां से आने वाली लाइट को फोकस करेगा किस पे, स्क्रीन पे, और स्क्रीन पर हमें जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। देखो, आप लैब में जाओगे, लैब में अगर आप फैब्री पैरो जो इंटरफेरोमीटर देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात, अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, वर्किंग कैसे है इसकी। तो वर्किंग में देखो, आप सिंपली हम एक लाइट रे निकालते हैं सोर्स से और देखते हैं कि वो किस तरह से इंटरफेरेंस करती है। तो यहां पर आप देखो कि हमने जो है एक लाइट जो है यहां से निकाली, जो इस पे मान लो किसी एंगल पर इंसिडेंट होती है, तो ये तो ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट है तो इसमें ये इसको क्रॉस कर जाएगी और सामने वाली प्लेट पर जाकर गिरती है, ठीक है। अब देखो, सामने वाली प्लेट पर जाकर गिरती है, अब इस पर पॉलिश कर रखी है तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ हिस्सा इसका रिफ्रैक्ट कर देगा, तो ट्रांसमिट होकर बाहर चली जाएगी, फिर यहां रिफ्लेक्शन होगा, साथ साथ जो है वो रिफ्रैक्शन होगा तो ये कुछ हिस्सा बाहर चला जाएगा, फिर यहां से रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता जाएगा, और यहां पर आप देखो बहुत सारी लाइट रेज जो है आपस में इंटरफेयर करेगी, और इंटरफेयर करने के बाद में, ठीक है, इसको फोकस कर दिया जाएगा पर्दे पर और ये यहां पर पर्दे पर फोकस हो जाएगी, तो वहां पर हमें कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग है। अब हम देखते हैं कि भाई जो यहां पर स्क्रीन पर पैटर्न दिखाई देता है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। तो देखो, वन बाय वन इस स्टेप को समझते हैं। हमारे पास दो ग्लास प्लेट थी, ठीक है, दो कांच की प्लेट थी जिसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा था, फिर लाइट ट्रांसमिट हो रही थी और उन्हीं में इंटरफेरेंस हो रहा था और हमें पर्दे पर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दे रहा था। तो उसको अब हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। मान लो यहां पर हमारा लाइट सोर्स था, वहां से लाइट आकर इस पे गिरती है, ये लाइट जो है SP1 से डिनोट होती है, इसका एक पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और एक पोर्शन जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है, यानी कि अपवर्तित और परावर्तित हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहां पर जो है ये लाइट जो है वो दूसरी प्लेट पर आकर गिरती है, सेम प्रोसीजर रिपीट होता है, इसका एक पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, जिसको यहां पर पॉइंट को हमने Q1 नाम दे दिया, और एक पोर्शन जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है, यानी कि एक परावर्तित हो जाता है और एक अपवर्तित हो जाता है। सेम ये प्रोसीजर रिपीट होता जाएगा, यहां पर भी एक पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक पोर्शन रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। सेम यहां पर भी एक पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा फिर रिफ्रैक्ट होगा, यहां हम पॉइंट्स को कंटिन्यूसली नाम देते जाएंगे, और ये हमारे पास जो है वो लाइट रेज आ जाएगी,
तो यहां पर आप देखो कि इन लाइट रेज में, ये जो ट्रांसमिट हो रही है इन लाइट रेज में इंटरफेरेंस होगा जो स्क्रीन पर हमें दिखाई देगा। तो जो इंटेंसिटी हमें निकालनी है लाइट की जो इंटरफेरेंस के बाद आ रही है वो डिपेंड करती है इन लाइट की इंटेंसिटी पर या इनके एम्पलीट्यूड पर। तो सबसे पहले हमें इनका एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा और इनका एम्पलीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है किस पे, जो मेन लाइट यहां पर इंसिडेंट हुई थी SP1, इसी से बाकी सारी लाइट बनी, इन्हीं के रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन से जो है ये सारी लाइट बनी है। तो इसके एम्पलीट्यूड को हम मान के चलते हैं A है। लेट द एम्पलीट्यूड ऑफ S1P1 इज A, ये A है, ठीक है। और अब हम यहां पर क्या करते हैं, इनके रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, मतलब ये जो प्लेट है कितना हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट करती है और कितना हिस्सा लाइट का ट्रांसमिट करती है वो हम जो है एज्यूम करके चलते हैं। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है वो R बराबर में कैसे डिफाइन होगा, R होगा कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हुई अपॉन कितनी इंसिडेंट हुई, मतलब यहां आई यहां इंटेंसिटी है, मतलब कितना प्रकाश जो है वो परावर्तित हुआ उसकी तीव्रता, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता अपॉन में आपतित प्रकाश की तीव्रता, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी अपॉन में इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे आपके मार्क्स निकाले जाते हैं भी, कितने मार्क्स आपने गेन किए अपॉन में कितने मार्क्स का आपका पेपर था, उसके बेसिस पे आपके परसेंटेज निकाले जाते हैं। तो यहां से परसेंटेज निकाला जाएगा कितनी प्रतिशत लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट यानी कि पारगमन गुणांक, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसको टी बराबर में IT अपॉन II, मतलब कितना ट्रांसमिट हुई लाइट अपॉन में कितना इंसिडेंट हुई, ठीक है। अब इसको एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखते हैं, तो हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, कोई भी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां कांस्टेंट किया जाता है, तो आई बराबर में के ए स्क्वायर लिखा जाता है। तो यहां आई आर रिफ्लेक्टेड की इंटेंसिटी लिखी जाए तो कैसे लिखी जाएगी, के ए आर स्क्वायर अपॉन में इंसिडेंट की इंटेंसिटी लिखी जाए तो वो कैसे लिखी जाएगी, के ए आई स्क्वायर, ठीक है। तो के से के गया, यहां से अगर हम ए आर निकालना चाहें तो ए आर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आई इंटू रूट आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड अगर हमें निकालना है, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड निकालना है तो इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड को रूट आर से मल्टीप्लाई कर दो, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। इसी लॉजिक के बेस पर, इसी कैलकुलेशन के बेस पर यहां पर भी सेम वे में हम ये लिख सकते हैं, ए टी बराबर में हो जाएगा ए आई रूट टी। अगर हमें ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड निकालना है तो इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड को रूट टी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब आप देखो यहां से जो हम ये जो वेव्स है इनके एम्पलीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमने कहा कि भी इसका एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है। यहां से ये रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड निकालना है तो इंसिडेंट वाले को रूट आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इंसिडेंट का ए है, रिफ्लेक्शन का निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, ए रूट आर। तो यहां से जो रिफ्लेक्ट हुई उसका एम्पलीट्यूड ए रूट आर हो गया, और यहां से जो ट्रांसमिट हुई उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जो इंसिडेंट हुई उसको रूट टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहां हो जाएगा ए रूट टी। यहां तक क्लियर है? अब देखो ये अगेन ये लाइट दूसरी प्लेट पर इंसिडेंट हो रही है, अब ये इंसिडेंट लाइट हो गई, अब यहां रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड निकालना है तो जो इंसिडेंट है उसको रूट आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए रूट टी तो पहले से था, रूट आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रूट टी आर हो जाएगा, क्लियर है ये बात। और ये यहां पर ट्रांसमिट हो रही है तो ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड निकालना है तो जो इंसिडेंट है उसको रूट टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको रूट टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट टी पहले से पड़ा है, रूट टी से और मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, एटी बन जाएगा। सिमिलर वे में यहां पर फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड का निकालने के लिए जो ये इंसिडेंट है, अब ये दूसरी प्लेट पर इंसिडेंट का काम कर रही है, ये इसका रिफ्लेक्टेड का निकालने के लिए रूट आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक रूट आर पहले से पड़ा, एक रूट आर से और मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए रूट टी आर, ठीक है। और ट्रांसमिटेड का निकालना है तो इसी को रूट टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रूट टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए टी रूट आर, एक रूट टी पहले से पड़ा था, एक रूट टी से और मल्टीप्लाई हुआ तो रूट टी हट गया। अब देखो ये इंसिडेंट बन गई, अब इसको रिफ्लेक्टेड का निकालना है तो रूट आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए रूट टी आर और एक आर,
ठीक है, ये एक रूट आर में आ गया और एक सिंपल आर हो गया, और यहां से जो है ट्रांसमिशन का निकालना है तो रूट टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको रूट टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए टी आर। देखो एक रूट टी पड़ा था, एक रूट टी और होगा तो ए टी आर। अब देखो ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड का निकालना तो इसको रूट आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रूट आर, एक रूट आर पहले से पड़ा, एक आर रूट में और मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट जाएगा, और एक आर और पड़ा है तो ये हो जाएगा ए रूट टी आर स्क्वायर। और फिर इसका ट्रांसमिटेड का निकालना है तो रूट टी से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक रूट टी पहले से पड़ा है तो ये हो जाएगा ए टी आर स्क्वायर। यहां पर आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि जो यहां पर लाइट रेज आ रही है उनके एम्पलीट्यूड क्या आएंगे, ए टी ए टी आर ए टी आर स्क्वायर, अगले का क्या आ जाएगा ए टी आर क्यूब। मतलब सिंपली अगली जो लाइट रे निकालनी है, लाइट वेव निकालनी है, उसको सिंपली आर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ये एटी है, ये एटी आर है, ये एटी आर स्क्वायर, फिर एटी आर क्यूब, फिर एटी आर फोर, इस तरह से हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएंगे। तो हमने जो है जिनमें हमें इंटरफेरेंस कराना है उनके एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिए। अब यहां पर उनकी वेव की इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो वेव इक्वेशन, लेट वेव इक्वेशन, वेव की जो इक्वेशन हम नॉर्मली लिखते हैं y बराबर में a साइन ओमेगा t या y बराबर में a cos ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। तो उसको हम ऐसे नहीं लिखकर, हम वेव इक्वेशन को इस तरह से लिख दें, a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस kx, इस तरह से लिख दें इक्वेशन। तो इस तरह से लिखने से बेनिफिट क्या होगा, देखो e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो कॉस के टर्म में होगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो साइन के टर्म में होगा। तो वेव जो होती है हमारी या तो कॉस के टर्म में होती है या साइन के टर्म में होती है, ठीक है। तो हम इसको कॉस या साइन के टर्म में नहीं लिखकर उसको ई की पावर में लिख दिया। तो ई की पावर में लिखने का बेनिफिट क्या होता है, ई की पावर का इंटीग्रेशन करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो, उनको जोड़ना हो, ये सारा काम जो है वो साइन या कॉस के टर्म के रेस्पेक्ट में ज्यादा ईजी होता है, इसलिए हम इसको इस टर्म में लिख देते हैं। और इसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट मान लेंगे तो वो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो साइन या कॉस के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने इसको वेव की इक्वेशन को ई की पावर में लिख दिया। तो हमारे पास जो फर्स्ट वेव होगी उसकी इक्वेशन, सेकंड वेव की इक्वेशन, थर्ड वेव की इक्वेशन, इस तरह से सबकी इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले यहां तक का स्क्रीन शॉट ले लो आप, ले लिया। चलो अब देखें वेव की इक्वेशन। तो ये फर्स्ट वेव हमारे पास जो है वो ये क्यू वन वाली आ रही है, क्यू टू वाली, सेकंड वेव, क्यू थ्री वाली, थर्ड वेव। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव, वाई वन बराबर में, अब इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड ए टी और ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरी वेव का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सेकेंड वेव, y2 बराबर में, अब देखो इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, एम्पलीट्यूड कितना हो गया, atr हो गया, तो atr e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस kx माइनस डेल्टा। अब देखो यहां पर एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, क्यों, क्योंकि यहां रिफ्लेक्शन, इसी वेव के रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन से ये वेव आ रही है, ठीक है। तो जो इस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी वही इसी वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन से वेव की फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां ये डेल टर्म आई, ये डेल टर्म माइनस की, ये फेज डिफरेंस को बता रही है कि मतलब ये वेव पहले बन गई थी, ये वेव बाद में बनी, तो ये इससे थोड़ी पीछे चल रही है, तो फेज का डिफरेंस है, तो फेज का डिफरेंस हमने यहां डेल लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट वेव की इक्वेशन निकाले, सिमिलरली हमारे पास वाई थ्री जो आएगी, यहां पर ए टी आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस केएक्स। ये देखो ये टर्म तो सब में कॉमन रहेगी, ओमेगा टी माइनस केएक्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा। यहां पर जो है माइनस का टू डेल आ जाएगा, माइनस टू डेल क्या आ जाएगा, इसके बीच में फेज डिफरेंस डेल का है, इसके बीच में फेज डिफरेंस डेल का है, तो इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया, टू डेल का हो गया। इसी तरह से फेज डिफरेंस कंटिन्यूसली डेल अमाउंट से कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमने वेव की इक्वेशंस निकाल ली, यहां हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स बन जाएगी क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो वो क्या होता है, वाई बराबर में वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, मतलब जितनी भी वेव आ रही है उन सबको जोड़ दो तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव बन जाएगी, ठीक है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया।
चलो अब हमें इनको जोड़ना है, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे जोड़े? देखो यहां वाई बराबर में वाई वन की जगह पर आ गया एटी ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, दूसरी टर्म में आ गया एटी आर ई की पावर माइनस ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस डे। अगली टर्म क्या आ गई एटी आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस टू डे। और इसी तरह से टर्म्स आगे आती जाएगी। अब इनको जोड़ना है, तो देखो अब हमने जो e की पावर में लिखा हुआ है उसकी वजह से जोड़ना इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम साइन और कॉस में लिखते तो इनको इन टर्म्स को जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता, लेकिन हमने e की पावर में लिखा हुआ है तो जोड़ना आसान हो जाएगा। कैसे? देखो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इस टर्म को सिंप्लीफाई कैसे करें, ए टी ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स ये एज इट इज लिख देते हैं, ये ए टी आर। अब देखो यहां पर जो ये e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस डेल है, इसमें ये e की पावर माइनस डेल वाली टर्म हम अलग लिख देते हैं। कैसे? e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स और e की पावर माइनस आयोटा डेल्टा। देखो ये सेम बेस पर है, पावर अलग अलग है, इनको मल्टीप्लाई करना है तो पावर एड हो जाती है, तो पावर अगर हम एड करेंगे तो e की पावर आयोटा और ये इनको एड करेंगे तो ये वापस ये टर्म आ जाएगी। तो हमने इनको तोड़ दिया दो पार्ट में, इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। मल्टीप्लाई में लिखने से क्या बेनिफिट होगा कि इस टर्म को हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। इसी तरह से अगला यहां पर देखो एटी आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स और ई की पावर माइनस आयोटा टू डेल्टा, इसको माइनस टू आयोटा डेल्टा ऐसे लिखते हैं। ये टर्म इस तरह से आगे भी जो है हम इस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया इसका। अब इसमें देखो कॉमन क्या ले सकते हैं इन सब में, इनमें कॉमन देखो एक टर्म कॉमन आ रही है एटी कॉमन आ रही और ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स टर्म कॉमन आ रही है। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां से कुछ नहीं बचेगा, वन बचेगा। यहां से क्या बचेगा, देखो एटी कॉमन आ गया, ई की पावर वाली टर्म कॉमन आ गई, तो यहां से क्या बचा आर ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है एटी ई की पावर, ये कॉमन आ गया, ये क्या बच रहा है यहां से आर स्क्वायर ई की पावर माइनस टू आयोटा डे। और इसी तरह से कंटिन्यूसली टर्म्स आती जाएगी। ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो ये आप गौर से देखो तो ये जीपी बन रही है, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रही है, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। इसमें देखो इस टर्म को जब आर ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म आती है, इस टर्म को अगेन आर ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगी, इसको आगे आर ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी। ठीक है, तो यहां पर ये जीपी बन रही है और इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी बन रही है, तो उनको जोड़ने के लिए, इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी को जोड़ने के लिए समीशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए अपॉन वन माइनस आर। ए मतलब इनिशियल टर्म क्या है, पहला पद क्या है, अपॉन में वन माइनस आर, आर मतलब कॉमन रेशियो सार अनुपात, मतलब किस टर्म को मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट टर्म आ रही है वो आर होता है, तो यहां पर वो टर्म है आर ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर इसका जो पूरा सम है वो कितना हो जाएगा, ए हमारे पास कितना है वन है और वन माइनस आर कितना है आर ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा, ये हमारे पास इस टर्म का सम हो गया। ठीक है, एस इनफाइनाइट हो गया। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है, ए टी और ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स और इसकी जगह पर जो है ये पूरी टर्म आ गई, ये वन अपॉन में वन माइनस आर ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा। तो ये हमने जो है वो रिजल्टेंट वेव निकाल ली। क्लियर है यहां तक बात? अब देखो यहां पर जो भी वेव की इक्वेशन लिखते हैं उसमें e की पावर में या साइन के या कॉस के मल्टीप्लाई में जो होता है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है, तो ये हमारा at अपॉन वन माइनस आर ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव जो परिणामी तरंग बनी उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको ए लिख देते हैं, तो ए बराबर में सॉरी इसको एम्पलीट्यूड को हम जो है वो कोई और टर्म से लिखें ए डैश लिख देते हैं, ए डैश बराबर में क्या हो जाएगा एटी अपॉन में वन माइनस आर
टी की पावर माइनस आयोटा डेल्टा, ये एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि ये एम्पलीट्यूड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि यहां जो है आयोटा के टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाले अगर हम इसी एम्पलीट्यूड का तो वो क्या आएगा, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब जो संयुग्मी होता है इसका वो क्या आ जाएगा, वो ए डैश का स्टार। तो हमें यहां केवल क्या करना है, जो आयोटा की टर्म आ रही थी वो आयोटा की टर्म की जगह माइनस आयोटा की टर्म लेनी है। ठीक है, तो एटी अपॉन वन माइनस आर टी की पावर आयोटा डेल्टा आ जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो हमें अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है ए डैश का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश मल्टीप्लाई में ए डैश का कॉन्जुगेट। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या रिजल्ट बनेगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में, ये देखो एक बार आ रहा है वन माइनस आर ई की पावर आयोटा डेल्टा, और एक बार टर्म आ रही है वन माइनस में आर ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या रिजल्ट आता है, यहां पर आप देखो ये बन जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वन, ये माइनस का आर ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा, फिर ये माइनस का आर ई की पावर आयोटा डेल्टा, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा डेल्टा और ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा कट जाएगा। ये हमारे पास जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आया। अब हमें पता है कि एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो उसको हम किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास इंटेंसिटी आ जाती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब यहां पर जो है इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की जो है वो क्या हो जाएगी, इसको किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दें तो के ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ये हो गया वन माइनस, ये देखो इनमें माइनस आर कॉमन ले लिया जाए तो आर कॉमन ले लिया, ये बन गया e की पावर आयोटा डेल्टा प्लस e की पावर माइनस आयोटा डेल्टा प्लस आर स्क्वायर, ये टर्म बन गई। ठीक है, अब आप देखो कि e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा जो होती है वो होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यही अगर हम यहां माइनस साइन ले लें तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा, e की पावर आयोटा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें तो क्या होगा, e की पावर आयोटा थीटा और e की पावर माइनस आयोटा थीटा वाली टर्म को जोड़े तो ये साइन थीटा वाली टर्म कट जाएगी और ये हो जाएगी टू कॉस थीटा के बराबर। तो सेम यहां पर हो रहा है, e की पावर आयोटा डेल्टा और e की पावर माइनस आयोटा डेल्टा जोड़कर क्या हो जाएगा, यहां पर टू कॉस डेल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा के ए स्क्वायर टी स्क्वायर वन माइनस आर टू कॉस डेल्टा प्लस आर स्क्वायर, ये टर्म आ रही है। इसको और सिंप्लीफाई करें हम इस टर्म को, तो इस टर्म को और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, ये के ए स्क्वायर टी स्क्वायर, देखो यहां वन प्लस आर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो वन प्लस आर स्क्वायर में हम क्या करें कि यहां पर वन प्लस आर स्क्वायर में टू आर एड कर दे और टू आर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, टू आर जोड़ा और टू आर माइनस कर दिया और ये हमारे पास माइनस का टू आर कॉस डेल्टा टर्म पड़ा है। ठीक है, ये हमारे पास टर्म पड़ा है। अब आप देखो कि वन प्लस आर स्क्वायर और ये माइनस का टू आर, इनको हम साथ में लिख दें तो क्या बनता है, तो देखो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको सॉल्व करते हैं हम, के ए स्क्वायर टी स्क्वायर इसमें वन प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये वन माइनस आर का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर देखो इन दोनों में टू आर कॉमन ले लें, टू आर कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या टर्म बचेगी, वन माइनस कॉस डेल, वन माइनस कॉस डेल। ठीक है, ये हमारे पास टर्म बची। अब वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, सारे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं आपको पता है, वन माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये क्या बन जाएगा, के ए स्क्वायर टी स्क्वायर
अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस टू आर, और ये हो गया टू साइन स्क्वायर डेल बाय टू। ठीक है, अब यहां पर आप देखो ये फाइनली हमारे पास जो टर्म बनी वो क्या बन गई इंटेंसिटी की, के ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में वन माइनस आर का स्क्वायर प्लस फोर आर साइन स्क्वायर डेल बाय टू। तो ये हमने इंटेंसिटी निकाल ली रिजल्टेंट वेव की। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां हमने जो है फर्स्ट और सेकेंड वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो डेल से रिप्रेजेंट किया था। अब इस डेल की वैल्यू क्या होगी उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के साथ हम पिछले वीक के बेस्ट नोट्स इन हिंदी के विनर के नाम डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये नाम है राखी सुथार, कनिषा पारिक और योगेश कंवर भाटी। इन तीनों के ही नोट्स जो है वो काफ़ी अच्छे थे। इंग्लिश लैंग्वेज में ये अवार्ड जीता है शैलजा ओझा ने। देखो जिन्होंने भी अवार्ड जीता उनकी खास बात ये थी कि उनके नोट्स में हैंडराइटिंग अच्छी थी और उन्होंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, लैंग्वेज अच्छी चूज़ की है शॉर्ट में, लेकिन सारी डिटेल बात लिखी है, मतलब गागर में सागर भरा हुआ है। तो आपको नोट्स बनाते समय ये बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। इंग्लिश लैंग्वेज में ही दो नाम और हैं जिनके नोट्स अच्छे थे, विनोद कंवर और पूनम रोपिया। इनकी जो है लिखने की शैली अच्छी थी लेकिन राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए ये सेकेंड नंबर पर आए। तो अब देखो हम इन दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने से पहले हम इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो थिन फिल्म से इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था कि जब एक लाइट रे सीधी जा रही है और एक जो है रिफ्लेक्ट होकर प्राप्त हो रही है तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस हमने निकाला था। यहां से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, यहां से इनका पाथ बराबर है, इसने ये एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, इसने ये एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, तो इस पाथ में से इस पाथ को माइनस कर देते हैं और पाथ डिफरेंस जो हमने निकाला था वो पाथ डिफरेंस निकाला था टू म्यू टी कॉस आर। ठीक है, यहाँ आर की जगह एंगल क्या है थीटा है और म्यू क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो भी यहां पर ये थिन फिल्म बन रही है दो प्लेट्स के बीच में, उसके बीच में एयर है तो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना होता है वन होता है, तो ये बन गया टू। और थिकनेस जो है यहां थिकनेस जो है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है प्लेट के बीच की डिस्टेंस वही एयर की जो फिल्म बन रही है उसकी थिकनेस होगी, तो टी की जगह पर यहां डी हो गया और ये बन गया 2d cos थीटा। तो यहां पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा 2d cos थीटा। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस है और पाथ डिफरेंस से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे, कि भाई फेज डिफरेंस का जो रिलेशन होता है फेज डिफरेंस बराबर में होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस को अगर हम 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फेज डिफरेंस आ जाता है। तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू 2d cos थीटा, ये हमारे डेल की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो ये डेल की वैल्यू उस इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी की टर्म आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा। क्लियर है। अब हम इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला निकाल चुके हैं डेल के टर्म में और डेल को हम थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम यहां पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का केस देखते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट यहां पर हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसका केस कैसे होगा कि जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम कब होगी, ये जो इंटेंसिटी है वो फंक्शन किसका है, डेल का फंक्शन है, साइन डेल का फंक्शन है। तो यहां ये अपॉन में आ रहा है साइन, तो ये जब वैल्यू जो है मिनिमम होगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो आई बराबर आई मैक्सिमम तब होगा जब साइन स्क्वायर डेल बाय टू जो है वो मिनिमम होगा। अब ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो साइन का कोई भी फंक्शन है, ठीक है, साइन स्क्वायर का कोई भी फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, कोई भी स्क्वायर वैल्यू जो होती है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है जीरो, क्योंकि अगर हम यहां माइनस टर्म भी लिखें तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव टर्म आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव में तो मिनिमम नहीं जा सकता, मिनिमम जाएगा जीरो पर। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर डेल बाय टू की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो जीरो होगी। तो जब ये जीरो होगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो हमारे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करेगी, तो वो कितनी होगी, के ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होगी, साइन डेल बाय टू इक्वल्स टू जीरो, और साइन डेल बाय टू इक्वल्स टू जीरो, साइन जीरो कब होता है, जीरो पर होता है, π
पाई पर होता है, टू पाई पर होता है, थ्री पाई पर होता है, यानी कि यहां पर हमारे पास जो एंगल है डेल बाई टू वो जनरली कितना हो गया एन पाई हो गया, प्लस माइनस एन पाई, या डेल बराबर में कितना हो गया टू एन पाई, यानी कि जब फेज डिफरेंस टू एन पाई का होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब इसको जो है वो थीटा के टर्म में लेके आए, थीटा के टर्म में ये क्या होगा, तो हमने डेल की वैल्यू जो लिखी थी थीटा के टर्म में, ये यहां तक आपने पहले नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो डेल की वैल्यू जो हमने लिखी थी थीटा के टर्म में वो क्या लिखी थी, डेल बराबर में हमारे पास था टू पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस आया था टू डी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं टू एन पाई के बराबर है, तो इसको हम टू एन पाई के बराबर में कर देते हैं। अब यहां से देखो टू पाई से टू पाई गया तो हमारे पास टू डी कॉस थीटा जो है वो सीधा सीधा क्या आ गया एन लैम्डा के बराबर हो गया। तो टू डी कॉस थीटा जब एन लैम्डा के बराबर में होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो होगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ गई। अब जो है हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस स्टडी करते हैं, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब आप देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस सेकंड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस सेकंड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि विनाशी व्यतिकरण। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, इंटेंसिटी मिनिमम होगी तब, और इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, तो ये अपॉन में जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, तो आई इक्वल्स टू आई मिनिमम होगा, और ये अपॉन में वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर पर डिपेंड कर रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब किसी भी स्क्वायर साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वन होती है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर जो है वो वन जब होगा तब ये जो है मिनिमम होगा, तो ये वन के बराबर होगा, साइन स्क्वायर डेल बाय टू वन के बराबर होगा तब ये मिनिमम के बराबर होगा। तो आई मिनिमम कितना हो जाएगा, के ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर का स्क्वायर प्लस फोर आर, ठीक है। ये तो वन कर दिया हमने, अब आप देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वन माइनस आर का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस टू आर प्लस आर स्क्वायर, माइनस का टू आर और प्लस का फोर आर, प्लस का टू आर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा के ए स्क्वायर टी स्क्वायर वन प्लस आर का स्क्वायर, ये मिनिमम इंटेंसिटी हो गई, ठीक है। इस मिनिमम इंटेंसिटी के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी में जो हमारे पास 1 माइनस आर का स्क्वायर आ रहा था और मिनिमम इंटेंसिटी में अपॉन में 1 प्लस आर का स्क्वायर आ रहा है। अब इसकी कंडीशन निकाले हम कि मिनिमम इंटेंसिटी किस कंडीशन पर आएगी, तो साइन स्क्वायर डेल बाय टू वन के बराबर में है, साइन डेल बाय टू जो है वो प्लस माइनस वन के बराबर में होगा, मतलब जब साइन थीटा या तो प्लस वन हो या माइनस वन हो तब हमारे पास मिनिमम इंटेंसिटी आएगी। अब साइन प्लस वन या माइनस वन कब होता है, 90 डिग्री पर, 270 पर, यानी कि पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल पर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास डेल बाय टू जो होगा वो पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल का मतलब होगा 2n माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डेल बाय टू बराबर 2n माइनस वन पाई बाय टू के बराबर होगा, 2 से 2 यहां पर हमने काट दिया तो हमारा एंगल डेल जो होगा वो पाई का ऑड मल्टीपल होगा। अब इस डेल को हम जो है थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, हमें पता है कि डेल बराबर में क्या था 2 पाई बाय लैम्डा इंटू टू डी कॉस थीटा, ये डेल था, ठीक है। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या आई, 2n माइनस वन पाई, ये कंडीशन है। अब आप देखो कि यहां से जो है हमारे पास 2d cos थीटा की क्या वैल्यू आती है, तो 2d cos थीटा बराबर में बन जाएगा 2n माइनस वन, ये देखो पाई से पाई तो गया, ठीक है, 2n माइनस वन लैम्डा बाय टू, यानी कि 2d cos थीटा जब लैम्डा बाय टू का ऑड मल्टीपल होगा तब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, ठीक है, और यही जब n लैम्डा के बराबर में होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, और दोनों की इंटेंसिटी भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब तक हमने देखा कि कैसे यहां मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद में जो रेज ट्रांसमिटेड होती है और ट्रांसमिटेड होते हैं उनमें इंटरफेरेंस होता है तो उसको पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है। हमने यहां कंडीशन स्टडी की कि यहां पर अगर दोनों प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है और ये प्लेट जो है वो थीटा एंगल पर ट्रांसमिट हो रही है, तो अगर 2d cos थीटा n लैम्डा के बराबर होगा, यानी कि लैम्डा का पूरा पूरा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तब यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वही 2d cos थीटा जब लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल होगा यानी कि विषम गुणज होगा तो यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि ये जो पार्ट डिफरेंस है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ऐसे पॉइंट्स ढूंढे, ऐसे पॉइंट्स का
लोकस ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ ढूंढे जहां पर ये थीटा सेम रहता हो, तो उन सभी पर या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो ऐसा लोकस जो है वो क्या हो सकता है, ऐसा बिंदु पथ एक सर्कल हो सकता है। सर्कल पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पर ये लाइट जो गिरेगी वो इक्वल एंगल बनाते हुए गिरेगी। ये मान लो स्क्रीन है, ये लाइट आ रही है, ये थीटा एंगल बना रही है, तो पूरे सर्कल में इस लाइट का एंगल चेंज नहीं होगा, तो थीटा सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए यहां पर जो फ्रिंज बनेगी वो फ्रिंज कैसी बनेगी, सर्कुलर शेप की फ्रिंज बनेगी, क्योंकि अगर किसी एक पॉइंट पर एंगल थीटा है तो सारे पॉइंट पर एंगल थीटा होगा, और किसी एक पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो सारे पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसलिए यहां पर हमें जो पैटर्न दिखाई देगा वो सर्कुलर पैटर्न दिखाई देगा। तो यहां पर अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, कॉन्ट्रास्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विप्रयास। कॉन्ट्रास्ट वर्ड आपने जो है टेलीविजन में देखा होगा, आपने मोबाइल में भी देखा होगा। आप कॉन्ट्रास्ट एप्लीकेशन का यूज करके जो इमेज बन रही है, जो पिक्चर बन रही है, उसमें जो लाइट की इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी का डिफरेंस जो है वो बढ़ा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट अगर आप बढ़ाते हैं तो जो ब्राइट है वो और ब्राइट दिखता है और डार्क जो है वो और डार्क दिखता है, तो दोनों में डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। कॉन्ट्रास्ट अगर कम होगा तो ब्राइट लाइट और जो डार्क लाइट है, डार्क पोर्शन जो है, उनके बीच में इंटेंसिटी का डिफरेंस कम होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को हम डिफाइन करते हैं आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम लाइट, लाइट की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है अपॉन में लाइट की जो मिनिमम इंटेंसिटी आ रही है, उनका रेशियो जो है वो कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। यहां पर इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था, हमारे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई थी वो आई थी के ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आर का स्क्वायर, और जो मिनिमम इंटेंसिटी बनी थी वो बनी थी के ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का अगर रेशियो निकाले तो रेशियो क्या आ जाएगा, देखो दोनों को डिवाइड कर दे हम तो के स्क्वायर टी स्क्वायर तो कट जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रास्ट का फॉर्मूला आ गया। तो इस पर बेस अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो हम इसको इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर एक टर्म और डिफाइन करते हैं हम विजिबिलिटी। विजिबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, या मैथमेटिकली विजिबिलिटी जो होती है वो ये होती है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन में आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। देखो यहां जो है हमें इंटरफेरेंस से जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी आ रही है मिल रही है उनके ऊपर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर हम विजिबिलिटी निकाल सकते हैं। ये जो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा वो ये बताएगा कि विजिबिलिटी जितनी ज्यादा है उतना ही अच्छा हमें पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां मैक्सिमम इंटेंसिटी में से मिनिमम इंटेंसिटी घटा देते हैं और नीचे ऐड कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो भी फॉर्मूला आए थे वो फॉर्मूले की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई थी के ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आर का स्क्वायर, ये हो गया के ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 प्लस आर का स्क्वायर, ये एक बार माइनस कर देते हैं और ये सेम टर्म को हम जो है नीचे ऐड कर देते हैं। तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, सिंपलिसिटी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आप देखो कि एलसीएम अगर हम लें इनको 1 माइनस आर का स्क्वायर 1 प्लस आर का स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो कट जाएगी। ठीक है, और के स्क्वायर टी स्क्वायर भी कॉमन आकर कट जाएगा तो ऊपर वाली टर्म आएगी 1 प्लस आर का स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर का स्क्वायर। देखो यहां एलसीएम लेने के बाद में जब हम के ए स्क्वायर टी स्क्वायर तो कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, और ये एलसीएम ले लेते हैं ये टर्म 1 प्लस आर और 1 माइनस आर का स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस आर का स्क्वायर यहां से, और यहां से बचेगा 1 माइनस आर का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा 1 और आर स्क्वायर तो कट जाएगा 2r 2r 4r आ जाएगा यहां पर। ठीक है, सिमिलर वे में नीचे भी ये टर्म आएगी हमारे पास के ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस आर और 1 माइनस आर, ये तो हमने एलसीएम ले लिया था, और यहां पर क्या होगा इन दोनों टर्म को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो एक बार आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r, ये आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r 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 कट जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, दो बार आएगी टर्म तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2r स्क्वायर। तो ये टर्म तो देखो कट गई, अब आपके पास में देखो क्या टर्म बची, यहां से 2 कॉमन लेके काट दो
तो आपके पास में टर्म बचती है 2R अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर। ये विजिबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहां हमने दो फॉर्मूले और एक्स में निकाल लिए, कॉन्ट्रास्ट और विजिबिलिटी। तो पिछले वीक के दूसरे कॉम्पिटिशन बेस्ट असाइनमेंट में पहले नंबर पर रहे हैं योगेश कंवर भाटी, विनोद कंवर भाटी, शैलजा ओझा और राखी सुथार, और इसी में सेकंड नंबर पर रहे हैं पूनम रूपिया, खुशाल, शिवानी शेखावत, अनिशा, तनुश्री और रजनी शेखावत। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।